मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ बच्चों, मित्रों, पक्षकारों द्वारा ये पूछा गया है कि यदि हमारा जो वकील है किसी केस का, वो हमारे मंशा के अनुसार हमारे अनुरूप काम नहीं करे और विपक्षी से मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में हम केस में क्या कर सकते हैं। मित्रों, ये सुस्थापित सिद्धांत है कि वकील कानून की जानकारी रखते हैं ऐसा माना जाता है और उन्हें निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी की लीगल प्रोसेस का ज्ञान होता है। पक्षकार स्वयं उतनी टेक्निकलिटीज और उसका ज्ञान नहीं रखता है, क्योंकि प्रोसीजर कोर्ट्स का थोड़ा टिकलिश रहता है। वो रोजाना वहां कार्य करते हैं, एडवोकेट्स कोर्ट ऑफिसर होते हैं। तो यदि आप किसी भी तरह की कोई ऐसी शंका आपको उत्पन्न हो गई है, केवल शंका सत्य का आधार नहीं हो सकती है। आप पहले जांच पड़ताल कर लें कि वास्तव में वो किसी विपक्ष के अधिवक्ता से या पक्षकार से कोई विशेष कारण से रुचि रखकर और उनके तरफ पैरवी में उनके विपरीत पैरवी नहीं करके और आपके पक्ष को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, पहले परफेक्ट तरीके से इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। शंका कभी भी सबूत का आधार नहीं हो सकती है, सिद्ध नहीं हो सकता शंका से। शंका किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है। सामान्यतः सभी अधिवक्ता बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और यदि आपको किसी विशेष कारण से, आपकी कोर्ट फीस को लेकर, कोई अन्य कारण से, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीजर, जो भी प्रक्रिया चाहे सिविल में हो, क्रिमिनल में हो, अदर केसेस में हो, वो निर्धारित रहती है। और कोर्ट की कार्यवाही में जल्दी जल्दी हर अधिवक्ता ये प्रयास करता है कि उसका मामला आगे बढ़े, तो पहले आप सबसे पहले ये पुख्ता जानकारी कर लें कि वास्तव में जो एलिगेशन है जो आप लगा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। उसकी जांच पड़ताल कर लें, परख लें। और हाउ टू चेंज योर एडवोकेट, ये मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अपने वकील से कुछ भी कार्यवाही जो भी हो रही है कोर्ट की, तो ये टॉपिक सेंसिटिव है। पहले आप, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि वकील सभी मामलों में सही होते हैं, लेकिन सामान्यतः सही और अच्छे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोर्ट केस की जानकारी आपके अधिवक्ता को रहती है, कब किस प्रोसीडिंग में क्या होना है, आप भी उसमें उनके उनके संपर्क में रहें। वकील से अगर आपको कोर्ट फीस वगैरह या किसी तरह की जो उनकी फीस है उसको लेकर कोई विवाद या किसी अन्य प्रकार का विवाद अगर हुआ है, तो एडवोकेट के व्यवहार में केवल उनके कहने से आप पहले तो संदेह न करें। दूसरा, ये जान लें कि आपके करंट एडवोकेट से अगर वास्तव में आपके मन में ये आ गया है कि मुझे काम नहीं कराना है, तो उनको स्पष्ट तौर पर बता दें कि आप आगे की पैरवी उनसे नहीं कराना चाहते हैं, आप उन्हें बदलना चाहते हैं, अपनी फाइल वापस लेना चाहते हैं। और आगे की कार्यवाही जब आप उनसे नहीं कराना चाहेंगे, तो वो निश्चित तौर पर आपसे जो उनके लीगल ड्यूज हैं उनको वापस देने के लिए आपको बोलेंगे। तो जो ड्यूज हैं वो आप पहले निपटा लें। फाइल में अगर कुछ गलत उन्होंने आपके हिसाब से कर दिया है, तो वो इस आधार पर जब आप उनसे पैरवी नहीं कराना चाहते हैं, तो आपकी फाइल को लौटा सकते हैं, फाइल को वो रोक नहीं सकते। आपके केस में वो पैरवी फिर जब आप चाहेंगे, तो आप एक लीगल नोटिस चाहें तो किसी दूसरे अधिवक्ता के माध्यम से दिला सकते हैं कि आप आगे की कार्यवाही उनसे नहीं कराना चाहते हैं अपने मामले में, और जो वकील की फीस है वो जरूर आपको देनी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय आरडी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद में ये कहा गया है कि वकील को फाइल रोकने का कोई अधिकार नहीं है, वो लियन नहीं रख सकता फाइल पे। सेक्शन 35 जो एडवोकेट्स एक्ट है उसके अंतर्गत फाइल रोकना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी उनके जो प्रोफेशन है उसके दुराचरण के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उनके जो लीगल फीस है उसका आप भुगतान कर दें, अनावश्यक विवाद में न पड़े, एनओसी ले लें। लीगल नोटिस जो दिया है वो कोर्ट में भी आप आवेदन के साथ दे सकते हैं लगा के, कि मैंने फला अधिवक्ता जो मेरे वर्तमान में काम कर रहे थे उनसे आगे की पैरवी नहीं कराने का विचार किया और इस संबंध में मैंने लीगल नोटिस उनको दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को फाइल का पार्ट हो जाएगा। और एनओसी लेने के बाद आप दूसरे किसी अधिवक्ता को जो आपकी पसंद के हैं, परिस्थितियों का लेकिन गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन करें, जल्दबाजी न करें, इससे संबंध खराब होंगे, क्योंकि बार के जो भी सभी अधिवक्ता हैं वो बार के मेंबर हैं, कोर्ट ऑफिसर हैं और वो न्यायदान में कोर्ट की सहायता करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अगर फाइल वापस लेने की आपने ठान ली है, तो एनओसी लेकर दूसरे अधिवक्ता को आप, ये आपका अधिकार है, आप दूसरे अधिवक्ता को अपने मामले में पैरवी करा सकते हैं और उन्हें भी निश्चित तौर पर जो भी आपका आपस में
तय हुआ है और फीस वगैरह का भुगतान करना होगा, वो आपके मामले में पैरवी कर सकते हैं। इस तरह सामने वाली पार्टी से अगर आपके मन में शंका आ गई कि पक्षकार से वो मिल गए तो हाउ टू चेंज योर एडवोकेट, और चाहे तो आप बार काउंसिल में भी यदि कोई किसी तरह की ज्यादा गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की लिखित शिकायत भिजवा सकते हैं। लेकिन ये जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, आपके पास ये प्रमाण हो कि वास्तव में गड़बड़ी हुई है, तभी ऐसा करें, अन्यथा भविष्य के लिए ऐसा कभी ना करें, ऐसा मेरा सुझाव है। तो इस तरह मैंने आपको केस में अच्छे वकील सभी रहते हैं और अच्छे वकील की आवश्यकता भी होती है केस लड़ने के लिए, क्योंकि उनको लीगल प्रोसीजर की जानकारी होती है, कोर्ट ऑफिसर हैं, उन्हें भी न्यायदान में पूर्ण सहयोग करना उनका कार्य होता है। तो मैंने आपको हाउ टू चेंज योर एडवोकेट के संबंध में ये सब सामान्य जानकारी सरल भाषा में दी। मेरा एक अनुरोध है कि मेरी धर्म पत्नी का भी एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप यदि अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको कानूनी ये वीडियोस अपलोड करके उसके माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। चैनल पर भरपूर सहयोग और आप सबका स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।